डंकी मूवीज और सलार मूवीज एक दूसरे के टक्कर में है, पर इनको एक दूसरे से खतरा नहीं है, बल्कि आगे आने वाले मूवीज और पीछे गए हुए मूवीज से खतरा है। डंकी मूवी 21 तारीख को आ रही है और सलार मूवी 22 तारीख को, और सलार मूवी की ऑक्युपेंसी डंकी से कम है, क्योंकि डंकी मूवी और सलार मूवी रिलीज होने के बावजूद थिएटर वालों को कई सारे मूवीज को उनकी ऑक्युपेंसी देना है, क्योंकि यहाँ पे डंकी वैसे सलार की कन्वर्जेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डंकी और सलार के पहले सैम बहादुर और एनिमल मूवी है जिसकी ऑक्युपेंसी धीरे धीरे घटती जा रही है, क्योंकि डंकी वैसे सलार का कन्वर्जेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डंकी और सलार के पहले एनिमल मूवी और सैम बहादुर इसकी ऑक्युपेंसी लेकर है, और सलार और डंकी जैसी रिलीज होंगी उसके आगे आने वाली है एक्वामैन, और जैसे ही एक्वामैन रिलीज होंगी उसके थोड़े देर के बाद आने वाली है फाइटर, जहां डंकी मूवी को टोटल ऑक्युपेंसी 45% मिली है और सलार मूवी को 30% के आसपास मिली है, और इन दोनों को टोटल किया जाए तो 75% होते हैं, और 25% बाकी ऑक्युपेंसी को दिया जाएगा, मतलब एनिमल और सलार। साउथ इंडिया में डंकी और सलार की ऑक्युपेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा, पर जैसे नॉर्थ इंडिया पर आते हैं तो नॉर्थ इंडिया पर ऑडियंस हॉलीवुड मूवीज भी देखते हैं। अगर डंकी और सलार मूवी से एक मूवी का भी रिव्यू अच्छा नहीं आया तो उसकी ऑक्युपेंसी दूसरी मूवी खा लेगी, क्योंकि जिस मूवी का क्रेज होता है उस मूवी की ऑक्युपेंसी सबसे ज्यादा होती है, थिएटर वालों को प्रॉफिट भी उसी मूवी से होता है। और नॉर्थ इंडियन की बात करूं, मतलब सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हॉलीवुड लवर सबसे ज्यादा है, और एक्वामैन 1 काफी अच्छी थी, तो उसके हिसाब से एक्वामैन 2 भी लोग देखने जाएंगे, क्योंकि हॉलीवुड की मूवी है तो उसे देखना बनता है, और मुझे भी एक्वामैन मूवी देखने जाना है। उसके हिसाब से हम देखें तो सलार और डंकी की ऑक्युपेंसी पर बहुत खतरा मंडरा रहा है नॉर्थ इंडिया पर, और डंकी और सलार मूवी को अपने पहले हफ्ते में जितना भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट करना पड़ेगा उतना करके निकल जाना पड़ेगा। दोनों मूवीज की काफी हाइप है, पर डंकी मूवी की बात करो तो डंकी मूवी मेरे हिसाब से 1000 करोड़ तो पार नहीं करेगी, और सलार मूवी से भी कई सारे लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि वो KGF जैसे 1000 करोड़ तो पार नहीं करेगी। अगर हम देखें तो डंकी मूवी एक क्लासिक मूवी है और सलार एक मास एक्शन मूवी है, उससे भी ज्यादा वो ए रेटेड बन चुकी है। अब अगर आपने एनिमल मूवी में देखा होगा, अगर वो ज्यादा ए रेटेड होगी, ज्यादा खून खराबा होगा तो ज्यादा चलेगी, क्योंकि एनिमल मूवी में थोड़ा सा एक एनिमल बना था, मतलब खून खराबा ज्यादा था तो देखने में अच्छा लग रहा था, और जैसे हमने देखा एनिमल मूवी ए रेटेड होने के कारण उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा है, तो यही एक्सपेक्टेशन है कि सलार मूवी भी ए रेटेड बन गई है तो कहीं उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नीचे ना गिर जाए। अब ये पूरा खेल सलार और डंकी के ऊपर है, उसके ऑक्युपेंसी कितना मिलेंगे, उनके रिव्यूज पर, ऑडियंस रिटेंशन कितना रहेगा उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से कई सारे पब्लिक रिएक्शन और रिव्यूज के हिसाब से इस मूवी की ऑक्युपेंसी ठहराया जाएगा बाद में। वैसे काफी कम ऑक्युपेंसी मिल रही है सलार और डंकी को, थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, कम से कम 40% तो मिलना चाहिए ऑक्युपेंसी। और दिसंबर 2023 इंडिया का सिनेमा डे का सबसे अच्छा मंथ माना जाएगा। इस मूवी में कई सारे ऑसम मूवीज रिलीज हुई है और कई सारे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भी तोड़े है। तो मुझे सिर्फ सलार और डंकी की ऑक्युपेंसी पर डाउट है कि सलार और डंकी को ऑक्युपेंसी कितनी मिलेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।